पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर भड़की हिंसा को देखते हुए आज हनुमान जयंती पर भी खास एहतियात बरती जा रही है। प्रशासन ने आज हनुमान जयंती पर भी किसी तरह की शोभा यात्रा निकालने या जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है। आसनसोल, पुरुलिया और बर्धमान में भड़की हिंसा को देखते हुए प्रशासन अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। आसनसोल में सांप्रदायिक हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात को देखते हुए आसनसोल और रानीगंज में इंटरनेट पर 4 अप्रैल तक बैन लगा दिया गया है। आसनसोल में धारा 144 भी लागू है। वहाँ भी अभी शांति का माहौल है क्योंकि इन जनरल मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ आसनसोल वो शांति चाहते हैं। कुछ शरारती लोग ने यहाँ की शांति को विघ्नित किया, लेकिन ज्यादातर लोग शांति चाहते हैं और शांति प्रतिष्ठित हो रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी आज आसनसोल और रानीगंज में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राज्यपाल अधिकारियों के साथ हालात पर चर्चा भी करेंगे। वहीं बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकता है। हिंसा को लेकर बीजेपी ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी बंगाल जाकर हिंसाग्रस्त इलाकों में लोगों से बात करेगी और अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपेगी। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के लोग, सत्ताधारी, उनके जो अधिकारी हैं उनके संरक्षण में दंगों की आग भड़का रहे हैं और ममता जी यहाँ दिल्ली पंजाब घूम रही हैं।